नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप अरबी खाने के शौकीन हैं तो जो आज की रेसिपी है मैं आप ही के लिए लेके आई हूँ। आज हम बेसन वाली अरबी बनाएंगे जो कि झटपट से बन जाएंगी, बहुत ही टेस्टी लगेंगी खाने में। इनको आप रोटी के साथ, पूड़ी के साथ या पराठे के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं इस रेसिपी को। बेसन वाली अरबी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम अरबी ली है। अरबी लेते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि जो इस तरह की गोल वाली अरबी आती है आप वो लें, गांठ वाली अरबी आप बिल्कुल न लें, या जिस अरबी में मिट्टी ज्यादा लगी रहती है आप वो अरबी लें, उससे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। अरबियों को हमने अच्छे से धो लिया है, तो अब हमने ले लिया है एक प्रेशर कुकर और इन अरबियों को हम इस प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, जितना कि अरबी इसमें डूब जाए। साथ में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच नमक। मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसका ढक्कन लगा के इसको गैस पर रख देंगे। प्रेशर कुकर को हमने गैस पर रख दिया है, मीडियम फ्लेम पर हम इसमें एक सीटी लगाएंगे और गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद इसका प्रेशर अपने आप निकलने देंगे। तो अरबी हमने उबाल के तैयार कर ली हैं, तो अब हम इन्हें छील लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी अरबी ये छील के तैयार कर ली हैं, तो जो छोटे पीस हैं इनको हम इसी तरह से अलग कर लेंगे और जो हमें बड़ी अरबी दिखाई दे रही हैं तो इनको इस तरह से हम गोल कर लेंगे। आप चाहें तो लंबाई में भी इनके पीसेस कट कर सकते हैं, इस तरह से जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको इस तरह से गोल कट कर रही हूँ और जो छोटी अरबी हमें दिखाई दे रही हैं उनको हम इसी तरह से डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है ये आधा कप फ्रेश दही, तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। दही हमें ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। दही को फेंटने के बाद हम अरबी में डाल देंगे। तो अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि बहुत अच्छा कलर आएगा। साथ में ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से हम अरबी में मिक्स कर लेंगे और आप इस तरह से एक बार अरबी बना के देखेंगे तो जब भी आपका अरबी खाने का मन करेगा आप हमेशा अरबियों को इसी तरह से बनाएंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें एक चम्मच के लगभग ऐड कर रही हूँ बेसन। ज़्यादा बेसन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और बेसन डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक के एक साइड कर देते हैं, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो अब हमने ले लिया है एक मिक्सी जार, यहाँ पर मैंने 5 से 6 लहसुन की कली ली है इनको डाल दिया है, एक हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, साथ में ली है हमने 2 हरी मिर्च। यहाँ पर मैं इनको मिक्सी जार में क्रश कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको बारीक भी कट कर सकते हैं या इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ये सारी चीज़ें क्रश करके तैयार कर ली हैं, तो इनको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सेम मिक्सी जार हमने दोबारा से ले लिया है, तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उनको रफली कट कर लिया है, तो इनको भी हम एकदम बारीक पीस के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ये टोमेटो प्यूरी भी बन के तैयार है, तो इसको भी हमने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब गैस पर रख दी है हमने एक कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जिसमें आप खाना बनाते हैं। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो यहाँ पर ली है मैंने थोड़ी सी हींग, इसको हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम धीमा कर लेंगे। साथ में यहाँ पर ली है मैंने 1 चम्मच अजवाइन। अरबियों को आप हमेशा अजवाइन में ही बनाएं क्योंकि अजवाइन से अरबी जो है आसानी से पच जाती हैं और अजवाइन का फ्लेवर अरबी की सब्जी में बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हमने जो लहसुन हरी मिर्च अदरक क्रश किया था उसको हम डाल देते हैं और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद यहाँ पर एक मैंने छोटे साइज की प्याज ली थी उसको बारीक कट कर लिया है
तो उसको भी हम डाल देंगे और प्याज को हम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को अब हम हाई और मीडियम कर लेंगे। तो प्याज को हमने सुनहरा होने तक भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम अरबी के साथ ऐड कर चुके हैं। साथ में ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने फ्रेश टोमेटो प्यूरी बना के तैयार की है, उसको मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम हाई कर लेंगे। साथ में ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक पिंच के लगभग नमक, जिससे कि जो हमारे टमाटर हैं ये जल्दी से पक जाएंगे। तो ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, ये तेल छोड़ने लगा है। तो अब हमने जो ये अरबी तैयार की हैं इनको एक बार अच्छे से हम मिक्स करते हुए और कढ़ाई में डाल देंगे। और मसाले के साथ हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले के साथ अरबियों को हमने 1 से 2 मिनट हल्का सा भून लिया है। तो अब हमने जिस बोल में अरबी तैयार की थी उसी में मैंने 2 कप के लगभग पानी लेके और मिक्स करके अरबी में हम डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा नमक और ऐड कर देते हैं। नमक हम इसको उबालते समय भी ऐड कर चुके हैं और जब हमने मसाला भुना था तब भी हमने नमक ऐड किया है। तो नमक आपको ध्यान से ही ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे। अरबी हमने पहले से ही उबाल के तैयार कर ली है तो इनको ज्यादा हमें अब पकाना नहीं है। अरबियों को हम ढक देंगे और धीमी गैस पर हम इनको 5 मिनट के लगभग कुक करेंगे, जिससे कि जो हमारे सारे मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएंगे और मसालों का फ्लेवर अरबी की सब्जी में अच्छे से आ जाएगा। अरबियों को धीमी गैस पर पकते हुए 5 मिनट के लगभग हो गए हैं तो हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है, जो बेसन है वो भी अच्छे से पक गया है। धीमी गैस पर ही हमने इसको 5 मिनट पकाया है और अरबी तो हमने पहले से ही उबाल ली थी तो अरबी तो हमारी पहले से ही पकी हुई है। एक बार हम और चेक कर लेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के लगभग कसूरी मेथी। साथ में ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से आप एक बार अरबी बनाकर देखिए तो आप बार बार बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है। मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट हम इसको बिना ढके हुए और धीमी गैस पर पका लेंगे। तो ये देखिए 1 मिनट के लगभग हो गया है, हमारी जो ये अरबी की सब्जी है ये बनके तैयार है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको हम एक सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्मी बेसन वाली अरबी बनके तैयार है। तो प्लीज आप एक बार मेरी तरह से इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।